आज के वीडियो का नाम है 90s बॉलीवुड जंगल। आपको पता है इसका नाम ये क्यों है? क्योंकि आज मैं आपके लिए 90s की बॉलीवुड मूवीज के एनिमल और बर्ड स्टार्स की बात करने वाली हूँ। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, तो अगर आपने मेरा शो नहीं सुना है अभी तक, विच इज़ ऑल अबाउट द 90s, कॉल्ड 90s की कसेट विद मंजुला ऑन गाना, तो प्लीज़ मेक श्योर यू लिसन टू दैट शो, यू फॉलो मी ऑन गाना, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो 90s बॉलीवुड जंगल के सबसे पहले स्टार हैं टफी फ्रॉम हम आपके हैं कौन। वो आपको छोटा सा क्यूट सा कुत्ता याद है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जिसने हम आपके हैं कौन में। वो अंपायरिंग करते हैं, फैमिली के साथ हर फंक्शन में जाते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एंड में जो कन्फ्यूजन हो जाती है ना बहुत बड़ी, कि जब मोहनीश बहल की शादी माधुरी दीक्षित से होने वाली होती है, बल्कि माधुरी दीक्षित और सलमान खान एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ही प्लेज अ की रोल इन यूनाइटिंग द टू लवर्स। सो हम आपके हैं कौन के टफी वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ 90s बॉलीवुड जंगल। ये है हमारे परिवार के प्रिय सदस्य। हाउ स्वीट, ही नेवर बाइट्स, ही ओनली लव्स। टफी, हमसे दोस्ती करोगे? एट नंबर टू वी हैव कबूतर। वो भी मैंने प्यार किया मूवी का कबूतर, जिसको गाना भी डेडिकेट किया था इस मूवी में, कबूतर जा जा जा, जिसका काम था लव लेटर्स देना, एक दूसरे को लव लेटर्स डिलीवर करवाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंड में ना वो अपना बदला जो है, क्योंकि उनको शुरू में ही मोहनीश बहल गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन उस वक्त भाग्यश्री उनको बचा लेती हैं, और एंड में वो भाग्यश्री को मोहनीश बहल से बचाते हैं। 90s बॉलीवुड जंगल में नंबर 3 पर है आंखें मूवी का बंदर। मतलब ऐसा बंदर, आपने इतना इंटेलिजेंट बंदर कहीं नहीं देखा होगा, जो सुबह उठकर अपने मालिक के लिए चाय लेके जाता है, उनको बेड से उठाता है, उनके साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट डिनर लंच जो भी सब मील्स शेयर करता है, ड्राइविंग भी करता है। और इस मूवी में गाना भी डेडिकेटेड है इस बंदर पे कि बड़े काम का बंदर। नाइन्टीज बॉलीवुड जंगल में नंबर 4 पर है माँ मूवी का कुत्ता। वो कुत्ता जो जयाप्रदा का पेट होता है और बहुत क्लोज होता है अपनी मालकिन से, लेकिन जब जयाप्रदा की डेथ हो जाती है तो वो उनके छोटे से बेटे का ख्याल रखता है, प्रोटेक्ट करता है दुश्मनों से। एंड नॉट ओनली दैट, ही कैन सी जयाप्रदाज सोल, मतलब उनके घोस्ट से वो देख सकते हैं। वो वैसा भी कहते हैं ना कि जो कुत्ते हैं वो भूतों को देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इज शोन इन दिस मूवी कॉल्ड माँ, जो 90s में आई थी। एट नंबर 5 वी हैव सांप। आपको पता है ना कि हमेशा एक कहावत है, मुहावरा, जिसमें कहते हैं कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इस फिल्म में दूध का कर्ज नाम था इस फिल्म का। अरुणा ईरानी एक्चुअली एक सांप को दूध पिलाती है, और वो सांप उस दूध का कर्ज भी चुकाते हैं by protecting her son, अरुणा ईरानी के जो बेटे बने हैं जैकी श्रॉफ। तो स्नेक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 90s की मूवीज में। 90s बॉलीवुड जंगल में नंबर 6 पर है मोती। ये बोल राधा बोल का वो कुत्ता है जो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा लॉयल है, हमेशा उनको पहचान लेता है। इनफैक्ट एक गलत फहमी हो जाती है जब ऋषि कपूर का एक इम्पोस्टर आ जाता है वहाँ पर, और वो कुत्ता भी एक नया ले आता है। सो जब वो कुत्ता फेक वाले ऋषि कपूर के पास जाता है और कहता है कि ये रियल वाले ऋषि कपूर हैं, तो जो एक्चुअली ऋषि कपूर होते हैं रियल वाले, उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं होता है कि उनका कुत्ता भी रिप्लेस किया जा चुका है। लेकिन मोती जो है फिर भी अपने मालिक की डांट सहता है, मार सहता है, बट फाइनली व्हेन ऋषि कपूर रियलाइजेस हिज मिस्टेक, तो ऑफकोर्स मोती और ऋषि कपूर का जो मिलन होता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। एट नंबर 7 वी हैव अ मूवी कॉल्ड हेलो। हेलो जो है एक पपी की कहानी है जिस पपी का नाम है हेलो। एक छोटी सी बच्ची है 7-8 साल की, जिसकी मदर की डेथ हो जाती है, और उसके बाद हेलो ही उसकी दुनिया है। लेकिन किस तरह से हेलो गुम हो जाते हैं और हेलो को ढूंढती हैं वो 7 साल की बच्ची अपना घर छोड़ के, एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस लॉस्ट पपी हेलो एंड दिस हिज ओनर, जो एक 7 साल की छोटी सी बच्ची है। एट नंबर 8 वी हैव अ डॉल्फिन, जो अजूबा मूवी में आई थी, और अमिताभ बच्चन ना इस डॉल्फिन से बातें करते हैं, उनकी बातें समझते हैं, क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये डॉल्फिन ही अमिताभ बच्चन को डूबने से बचाती हैं, उन्हें एक किनारे तक पहुंचाती हैं, और उसके बाद जब अमिताभ बच्चन बड़े हो जाते हैं ना, तो वो हमेशा उनको अपनी माँ कहकर बुलाते हैं।
तुम्हें सलाम कर रही है माँ। नाइन्टीज बॉलीवुड जंगल में नंबर 9 पर है दो घोड़े, जो कि कारनामा मूवी में थे, एक चेतक और फिर उनका बेटा प्रिंस। सो बेसिकली विनोद खन्ना की फिल्म है ये। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हॉर्स रेसिंग, किस तरह से चेतक को जो है दुश्मन मिलकर मार देते हैं, बिकॉज वो हमेशा अब हर रेस जीत जाते हैं, वो विनोद खन्ना का घोड़ा। और उसके बाद जब प्रिंस बड़ा होता है और प्रिंस को पता चलता है कि चेतक को एक्चुअली में अमरीश पुरी जो अपोजिट गैंग है उन्होंने मारा है, तो वो बदला भी लेते हैं अपने पापा की मौत का। फाइनली एट नंबर 10 वी हैव ब्राउनी। आपको याद है एक छोटा सा पपी, क्यूट सा पपी जो कि ताल मूवी में आया था, जो ऑफकोर्स अक्षय खन्ना का पपी है। अब इसमें इस पपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला ब्राउनी का ये रोल है कि वो ऐश्वर्या और अक्षय को मिलाने में हेल्प करता है बिगिनिंग में, एंड देन उसके बाद अक्षय खन्ना उसके लिए जब आग लगती है तो उसको बचाने के लिए आग लगे हुए घर में कूद जाते हैं। फिर एंड में जब अक्षय और ऐश्वर्या एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो वो उनको मिलाने में भी हेल्प करते हैं ब्राउनी। सो यस, ताल मूवी के ब्राउनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन 90s बॉलीवुड जंगल। सो ये तो थे मेरे 10 एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम 90s बॉलीवुड जंगल। लेकिन एक स्पेशल मेंशन है बीवी नंबर 1 के कुत्ते, जो उसमें डॉग था जिसका नाम था टाइगर, जो बहुत हेल्प करता है अपनी जो मालकिन होती है ना करिश्मा कपूर, उनको सच दिखाता है कि उनका हस्बैंड इज चीटिंग ऑन हर। सो आई होप आपको 90s बॉलीवुड जंगल के ये सारे एनिमल्स, बर्ड्स, डॉल्फिन सब कुछ पसंद आया होगा। और अगर आपको भी कुछ याद आ रहा है तो लाइक ऑलवेज ऐड देम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर 90s फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए 90s के वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप स्माइलिंग।